मुर्दा नंबर सात मुर्दा नंबर नहीं मरीज नंबर बोलो मरीज नंबर सात नमस्कार डॉक्टर साहब पानी से बात करो मुझे डॉक्टर नहीं तो श्रीमती झंडी देवी इतना बीमार है जो श्रीमती हो गए अच्छा अपना बताना है तो बीमार कौन है बीमार मैं हूँ नाम बताओ राम दलीप राम तो मैं परेशान नहीं बोल रहा हूँ खाली दलेब हूँ खाली दलेब नहीं भाई केवल दलेब हूँ केवल दलेब उम्र कितना है काट का चलो आप वार्ड नंबर 13 में चलो वहाँ तो मुर्दा घर है तो कौन से तुम जिंदा होने वाले हो आओ वहाँ शोर में इतना डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक है अच्छा संदीप मरीज को अंदर भेजना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट तीनों एक साथ कल का छुट्टी जाने वाले आओ ये है मिस्टर मरीज और ये है मिसेज मरीज मरीज नमस्कार डॉक्टर साहब रोटी दस्त जुकाम बुखार पेट दर्द सदर सारा परिवार परेशान है डॉक्टर साहब तो आपका चेकअप कराना पड़ेगा भगवान मेरा मेरे बच्चों को क्या होगा मुए हो ना मुए तू दूर का सगा भाई अच्छा दूर का सगा भाई तो ये बीमारी कैसे लगी देखो आप प्रदूषण के शिकार हो चुके हो प्रदूषण प्रदूषण भाई कौन फैला रहा है प्रदूषण हमारे पास आओ गाँव से उसका हुक्का पानी बंद कर दे देखो कौन फैलाएगा आप और हम ही तो मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं मतलब ये है कि मैं आपसे कुछ पूछ लूँ कि आपके गांव में कूड़ेदान बने हैं कूड़ेदान तो है क्या आप उसका प्रयोग करते हैं नहीं डॉक्टर साहब क्यों नहीं करते ये आपके घर में शौचालय है शौचालय है क्या आप उसका प्रयोग करते हैं नहीं डॉक्टर साहब क्यों नहीं करते मतलब तो वो तो ठीक है ना पर ये बीमारी कैसे लगी यही तो कारण बीमारी होने का है शौच करते हम जंगल जाते हैं या खुले में हम कूड़ा डालते हैं बीमारी यहाँ घुसरी बीच में तार कौन सा लगा हुआ है समझाते नहीं देखो हम खुले में शौच करने जा रहे हैं या खुले में हम कूड़ा फेंक रहे हैं कभी बरसात होती है उस बारिश से क्या होता है कि सारा मल गंदगी बह के हमारे जल स्रोत तक जाता है अच्छा। उस जल को हम पीते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं ओहो ये बात समझ गए और आपसे बहुत आ रहे आप बताए कितने दिन में नहाते हैं मैं तो उस हिसाब से नहाता हूँ जिस हिसाब से हमारे गांव में आदमी मरता है तो घाट पे नहाना पड़ता है ना इसलिए मैंने तो 15 मर गए थे 15 बार मौका मिल गया था अभी तक कोई नहीं मरा इसका बाप पहले तो आपको रोज नहाना चाहिए नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार जरूर नहाना चाहिए इससे हमारी सारी स्वच्छता बनी रहती है ठीक है और हाथ नाखून दिखाइए हमारे यहाँ कटल पर बहुत ज्यादा होता है कभी चक्कू नहीं मिला तो इन्हीं से काटना पड़ता है इसलिए रखे मैंने इतने लंबे मैल भरा पड़ा है आपको नाखून साफ और छोटे छोटे रखने चाहिए क्योंकि इनके पीछे जो मैल छुपा रहता है वो भोजन के माध्यम से हमारे पेट तक जाता है फिर हम गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं एक्सक्यूज मी मैडम आगे आगे मुझको छुट्टी दे दो क्यों घर जाना है किस लिए जाना है करवा चौथ का व्रत है ना घर आता है ये मेरा नहीं तो अधर्म धर्म पर नहीं आए अब बीच में पानी पी ले तो मेरा तो स्विच ऑफ हो जाएगा यहाँ देखना पड़ता है कोई जाओ जाओ ठीक है स्विच ऑफ हो जाए और आप ये बताइए क्या सोच जाने के बाद आगे बेहतर अच्छी तरह से आपको सुबह सो जाते उसके बाद नाश्ते का टाइम हो जाता बार बार कौन सा पड़े अपना और जरा हमारे हाथों में लाखों बैक्टीरिया होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते और फिर भोजन के माध्यम से हमारे झूम बढ़ा रहे हैं हमारी दवाई का अंदर है ना
दो तीन वीडियो बना रखा एक ही बनाया आइए तो 7 मिनट की एक 5 की बन गया था पाँच तो दोनों जुड़ने का भी है जुगाड़ मेरे टाइम मास्टर डाउनलोड करना बहुत बहुत।